हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू सो मेरा नाम मोनिका है मैं आइल्स नाइन हिंदी चैनल से हूँ तो ये रीडिंग देखो आप देख सकते हो ये थर्ड फेबररी को भी आई थी और ट्वेंटी सेवन जुलाई को भी आई थी ये सेम इसी ईयर की बात कर रही हूँ तो ये रीडिंग एक बार और आने का चांसेस हो सकता है ठीक है आई एम नॉट श्योर कि श्योर आएगी बट ये स्लीप टाइप की रीडिंग जो है इस स्लीप से रिलेटेड तीन चार तीन चार और रीडिंग है साइकिल ऑफ स्लीप्स दो तीन टाइप के और हैं तो आप कर सकते हो तो इस रीडिंग में एक हैरानी की बात यह है इसमें एक नई दो नई तीन नई चार टाइप के क्वेश्चंस हैं अभी आपको मैं दिखाती हूँ कौन से कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं सो so, पहला है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखो दूसरा है कंप्लीट द सेंटेंसेस मींस फिल इन द ब्लैंक्स चूज नो मोर देन टू वर्ड्स थर्ड है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें चूज करने हैं टू ऑप्शन एक और क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो ये है विच पैराग्राफ कंटेंस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिलो ठीक है ये हो गए चार टाइप के क्वेश्चन अब इसमें क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन पहले करना है या ट्रूफॉल्स नॉट गिवन करना है ये चाहो तो आप ये क्वेश्चन भी पहले कर सकते हो क्योंकि इसके लिए आपको ये सारे नाइन पैराग्राफ्स पढ़ने होंगे बट मैं ये कहूँगी थोड़ा थोड़ा करके इसको करते जाएँ पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज टिल द टाइम हम तीन टाइप के क्वेश्चन करके जब इस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो हमें पहले से ही पता होगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में बात हो रही थी तो ये तो बहुत आसान हो जाएंगे करने अब हम चलेंगे सबसे पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से और ये मैंने जैसे बताया आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने का तरीका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आइल्स रीडिंग की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं उसको कैसे करना है तो ये बात करनी ये टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न करता है फॉल्स और नॉट गिवन के बीच में तो चलो पढ़ते हैं इसमें पहले आप प्रैक्टिस थोड़ा बहुत जो समझ के रीडिंग करता है ना उसके इसमें से बारह इलेवन या बारह इलेवन या ट्वेल्व आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं लेकिन जो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेगा उसके साथ या आठ ही ठीक हो सकते हैं तो लेकिन मैं साथ साथ में पूरा सब एक्सप्लेन करूँगी एक एक चीज़ सो इट वॉज़ वंस थॉट पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ना है उसका मीनिंग समझना है उसको कीवर्ड निकालना है वो कीवर्ड हमें ले जाएगा लोकेशन पे। फिर उसके बाद हम दोनों के मीनिंग मैच करेंगे इट वॉज़ वंस थाट मतलब एक बार सोचा जा रहा था बिलीव किया जा रहा था कि बायोलॉजिकल फंक्शंस स्लो डाउन वेन वी स्लीप बायोलॉजिकल अब आप सोचे कि बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या मीनिंग नहीं आता कोई बात नहीं आपको ऐसा वर्ड मिलता जुलता मिल भी जाएगा वो स्लो डाउन हो जाता है जब हम सोते हैं सेकंड एक और पढ़ लेते हैं ताकि अगर फर्स्ट की लोकेशन ना मिले तो सेकंड की लोकेशन मिल जाए तो उससे ऊपर ही होगा ना व्हेन सफरिंग फ्रॉम ए मेडिकल इशू टीनेजर्स टीनेजर्स की जगह पे यंगर वन यंगस्टर्स और ये सब भी वर्ड आ सकता है एक्सपीरियंस लेस स्लीप लॉस देन अडल्ट देखो ये दो टाइप के लोगों की बात हो रही है तो ये तो मिल ही जाएगा लोकेशन लेकिन ये भी मिल ही सकता है स्लो डाउन और वेन वी स्लीप चलो अब मैं मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना मैं पैराग्राफ भी दिखाऊंगी और क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पॉज कर कर करके मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करना अच्छा जी उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है ये सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिए लाइक भी कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए सो तो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको शो किया है मैं क्वेश्चंस भी दिखा रही हूँ अब आप पढ़ना शुरू कीजिए स्क्रीन को थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हो आपको अच्छे से दिखेगा मैं भी कर देती हूँ सो तो ये देखिए यहाँ पे हमने ढूंढना है स्लो डाउन बायोलॉजिकल फंक्शन एंड वेन वी स्लीप साइंटिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स स्टिल हैव हैवे लॉट टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्लीप तो आ गया जस्ट लाइक दे डू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी द आइडिया डेट बॉडी एंटायरली स्लोज डाउन वैन स्लीपिंग हैज़ बिन डिसअप्रूव्ड ओके अब आप ये पढ़ के थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं इंस्टेड इट इज़ नॉ नो नाउ नॉन डेड बॉडीज़ प्राइमरी ऑर्गन्स एंड रेगुलेटरी सिस्टम सच एज़ लंग्स एंड ऑल कॉन्टिन्यू टू फंक्शन एक्टिवली थ्रू आउट स्लीप द ग्लैंड एंड लिम्फ नोट्स एंड ऑल दिस इज़ अ कॉमन रीजन वाई गेटिंग इन सफिशेंट स्लीप रिड्यूसिस द बॉडीज़ नेचुरल इम्यूनिटी अच्छा ये पूरा पैराग्राफ हो गया है स्लोज डाउन वर्ड मुझे मिल गया है और स्लीपिंग भी वैन वैन वेन्स वी स्लीप भी मिल गया है तो बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं मिला बायोलॉजिकल बॉडी रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं ये देखो ना बॉडी एंटायरली लिखा है इसने तो आइडिया डैट द बॉडी एंटायरली स्लोज डाउन वेन स्लीपिंग हैज़ बिन डिसअप्रूव्ड इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा डायरेक्ट नहीं लिखा है इसका इनडायरेक्ट मीनिंग दिखा ये एक बार सोचा जाता था कि जब बायोलॉजिकल फंक्शन स्लो डाउन वेन वी स्लीप तो सोचा जाता था ठीक है तो यहाँ बोल रहा है कि द आइडिया डेट एंटायरली बॉडी स्लोज डाउन वेन स्लीपिंग हैज बिन डिसअप्रूव जिसको अब डिसअप्रूव कर दिया गया मतलब कि वो पहले ये ही सोचा जाता था तो क्या है आंसर ट्रू अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा हुआ है जब मेडिकल इश्यूज सफर होते हैं तो टीनेजर्स एक्सपीरियंस करते हैं लेस स्लीप लॉस देन अडल्ट टीनेजर्स की स्लीप की जो जो घट है जो स्लीप लॉस है वो एडल्ट से कम होती है तो ये कह रहे हैं तो हम टीनेजर्स को ढूंढ लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं यहाँ तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा ठीक है अभी नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे देखो अभी आप थर्ड पे टीनेजर्स मुझे नजर आ गया है एंड अडल्ट भी नजर आ गया आप पढ़ लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं वैन सफरिंग फ्रॉम देखो आ, वी बिकम ओल्डर आर बॉडीज रिक्वायर लेस स्लीप वेन इट इज़ ट्रू डेट बेबीज रिक्वायर सिक्सटीन आवर्स ऑफ स्लीप कम्पेयर टू टीन एजर्स एंड अर्ल्स हू रिक्वायर नाइन आवर्स एंड एट आवर्स स्लीप रिस्पेक्टिव इथ दिस डज नॉट इम्प्लॉय एट इन ओल्डर इंडिविजुअल्स रिक्वायर लेट लेस स्लीप वॉट इज ट्रू इवन दो इज डैट पीपल फ्रिक्वेंटली रिसीव लेस स्लीप और प्रिसीव देर नहीं यहाँ तो मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है कि मोर ओवर स्लीप डिसऑर्डर्स लाइक इनसोमनिया स्लीप एपनिया एंड हार्ट इशूज आर मोर प्रीविलेंट इन ओल्डर पर्सनस बट ये नहीं कह रहे हैं कि वेन सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इशू की टीन एजर्स एक्सपीरियंस लेस स्लीप लॉस देन एडल्ट तो मेरे हिसाब से तो ये नॉट गिवन होगा आप पैराग्राफ को फुल पढ़ लीजिए ये देखिए फुल पैराग्राफ को आप पढ़िए मैंने पोज किया है स्क्रीन ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है नाउ यू डिसाइड योर आंसर आप चलते हैं आगे थर्ड थर्ड क्वेश्चन से इज द डेप्थ ऑफ आवर स्लीप डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट ये नाइट वर्ड को ढूंढना है फिर बोल रहे हैं जो हमारा स्लीप है वो उसकी जो गहराई है वो ज़्यादा डीप हो जाती है ड्यूरिंग द नाइट अगर ये हमारी जो स्लीप है ज़्यादा डीप होती है ड्यूरिंग नाइट तो ट्रू होगा और अगर कम डीप होती है तो फॉल्स होगा और अगर कुछ ऐसा कोई बात ही नहीं है तो नॉट गिवन भी हो सकता है ठीक है अब हम ढूंढ लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में नाइट को देख लेते हैं कहाँ नाइट भी यहाँ दिया है इट टेक्स मोर देन सिंपली लाइंग योर हेड ऑन द पिलो एट नाइट एंड वेकिंग अप इन द मॉनिंग मॉर्निंग टू गेट ए डिसेंट नाइट स्लीप योर स्लीप अकर्स इन साइकल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नाइट ऑल्टरनेटिव बिटवीन डीप रिस्टोरेटिव स्लीप एंड मोर अवेक तो ये तो अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन वी आर लुकिंग ये मैंने लोकेशन यहाँ से लेकर यहाँ बताई है अब आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो और पोस्ट करो और आंसर निकालो यो और स्लीप अगर्स इन साइकिल्स फिर वो क्या बोल रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नाइट्स आपकी स्लीप डिफरेंट साइकिल्स में आती है ऑल्टरनेटिव बिटवीन डीप एक यहाँ तो सिर्फ बोल रहे हैं ना कि डीपन्स हो जाती है डीप हो जाती है डीप रेस्टोरेटिव स्लीप एंड मोर अवे एक ड्रीमिंग इनक्लूडिंग स्टेज तो यहाँ तो बोल रहे कितने सारे स्टे, एक स्टेज के बारे में यहाँ बोल रहे हैं कितने सारे तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना अपना ठीक है अब नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं हार्ट इश्यूज हार्ट इश्यूज यहां लिखा था ना एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप देखो आ, यहां तो नहीं है नहीं यहां तो कुछ और है तो ये हार्ट इलनेस देखो यहाँ है हार्ट इश्यूज यहां लिखा है तो जो लोकेशन है ये देखो आप यही है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट एज पीपल एज दे स्पेंड लेस टाइम इन डीप दिस एंड दिस मोर आवर स्लीप डिसऑर्डर्स लाइक इन सोमेनिया इन सोमेनिया स्लीप हार्ट इश्यूज आर मोर प्रिविलेंट इन ओल्डर पर्सन तो देखो क्या कुछ रेलिवेंट है या नहीं सो ये क्या बोल रहे हैं मोर प्रिविलेंट इन ओल्डर पर्सन तो यहां क्या लिख रहे हैं कि उल्टा बात लिखे हार्ट इशूज एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्राम इनसफिशेंट स्लीप बट यहां ऐसा नहीं है बोल रहे हैं कि आर मोर प्रीवेलेंट इन ओल्डर पर्सन तो ये हमारा फिर से फॉल्स हुआ ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो हमें इसमें ऑप्शन दिए टू वर्ड्स की ठीक है सो so, तो अब शुरू कर देते हैं यहाँ पे। रिड्यूस्ड डैश कैन बी ए बेनिफिट ऑफ आर ई एम स्लीप सो आर ई एम स्लीप वर्ड जो है हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में है ठीक है अभी इसका नेक्स्ट वो भी निकाल लेते हैं अब देखो अब ये आर ई एम स्लीप हमें यहाँ मिला है ठीक है तो ये बताना चाह रहा है कि क्या रिड्यूस करता है रिड्यूस कैन बी ए बेनिफिट ऑफ आर ई एम स्लीप तो किससे क्या बेनिफिट हो रहा है वो हमें ढूंढना है वेन यू ड्रीम एंड नो इल रेपिड मूवमेंट स्लीप आर टू यूनिक एंड सेपरेट स्टेजिज ऑफ स्लीप स्लीपेटर्न एवरी नाइट यू टिपिकली एक्सपीरियंस थ्री टू फोर स्लीप साइकिल्स ईच लास्टिंग फाइव टू ओवर एन आवर ड्यूरिंग दिस साइकिल्स योर बॉडी बिकम्स मोर एक्टिव वेन विद एन इंक्रीज इन हार्ट बीट ब्लड प्रेशर ब्रेन एक्टिविटी ये तो इंक्रीज हो रहा है ये करते हुए ब्रीथिंग बिकम्स रैपिड शैलो एंड इरेगुलर योर फिंगर्स एंड टोज में ट्विच योर बॉडी टेम्परेचर मे वेरी एंड यू मे स्वेट और शिवर इवन मेजर ओके रिड्यूस नहीं है कहीं पे भी ठीक uh, है नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं मुझे रिडक्शन नाम की कोई चीज़ दिखी नहीं यहाँ पे दिस स्लीप अकॉर्डिंग टू रिसर्च इज़ क्रिशियल फॉर योर ब्रेन इट इज़ एट इट्स बिजिएस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ठीक है रिसोल्विंग स्ट्रेस रिसोल्विंग स्ट्रेस एंड प्रोसेसिंग मेमोरीज एंड इमोशन सो री सॉल्विंग स्ट्रेस मतलब कि ये हमारा री जो वर्ड है ये स्ट्रेस को कम कर रहा है ठीक है स्ट्रेस लिख दिया मैंने कैन बी बेनिफिट ऑफ आर एम स्लीप सो सिक्स नंबर सिमिलर टू दोज ऑब्जोर्व वैन ऑब्जर्व वैन अवेक आर प्रेजेंट ड्यूरिंग आर एम स्लीप ओके अवेक भी ढूंढना है वेव्स ऑके ओके देखो फिर उसके बाद सिमिलर टू दोज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यूज लर्निंग एक्वायरिंग न्यू स्किल्स आर एक्टिव इन एक्चुअलिटी ब्रेन वेवस ऑब्जो देखो ऑब्जोर्व वर्ड है द ब्रेन वेवस ऑब्जो ड्यूरिंग आर ई एम स्लीप आर प्रेजेंट ड्यूरिंग आर ई एम स्लीप सेंटेंस जो यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर ना उसका वो पहले इससे शुरू कर देंगे ये पहले वाली बात बाद में कर देंगे सेंटेंस यहाँ पर तो इसका पैराफ्रेजिंग थोड़ा उल्टा पुलटा होता है द्रेन ब्रेन वेव्स ऑब्जॉर्व ड्यूरिंग आर इम स्लीप आर कंपेरेबल टू दो्यूरिंग वेकफुलनेस सो तो यहाँ पे सिमिलर टू दोज ऑब्जॉर्व क्या ऑब्जोर्व ये ब्रेन वेव्स इसको ऑब्जॉर्व किया जाता है आर प्रेजेंट वेन अवेक ठीक है ड्यूरिंग वेकफुलनेस नाउ सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इट टेक्स लिटिल एफर्ट टू बी ड्यूरिंग स्टेज आर ओके okay, ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको क्या बोल रहा है लिटिल एफर्ट है इट टेक्स लिटिल एफर्ट टू बी डैश ड्यूरिंग स्टेज वन आर एम स्लीप ओके इसकी स्टेज वन देखनी है स्टेज वन यहाँ है और ये लिटिल एफर्ट टू बी डैश ओके यहाँ से पढ़ लेते हैं एज यू प्रोग्रेस थ्रू द ई एम स्टेज बॉडी विलक वाइज बिकम लेस एक्टिव फंक्शनिंग द अपोजिट वे ऑफ दिस वेन यू आर अबाउट नोट स्टेज वन ऑफ एन आर ई एम स्लीप फिर उसके बाद क्या पढ़ना है लिटल स्टेज वन यूजली लास्टिंग फाइव टू टेन मिनट यू कैन बी ईजली वोकन ड्यूरिंग दिस टाइम इजिली वोकन मीन्सलीटिल एफर्ट टू भी वोकन वी कैन राइट During this stage, yes, yes, little effort to be woken during this. Okay, next awakening unexpectedly from a deep sleep may result in awakening unexpected from a deep sleep. Awakening now, we have to deep sleep may result in let's read it deep sleep pattern 20 minutes or uh, past stage 3 sees the onset of deep sleep. Which prepares the body for stage four, where you have trouble waking up. Uh, unexpectedly, word is important. Awakening, unexpectedly. Okay, the most crucial phase for your body, your brain has Im stopped immediately and is healing. Your major muscles received a, uh, blood for reduction, from helping them to repair any harm. Exhausting, dead. It might disorienting to be abruptly awakened. See this. This word is here abruptly means unexpectedly uh, it might be disorienting to be abruptly awakened from stage 1 for sleep which is why alarm clock with an increasing rise is beneficial so we are looking awakening unexpectedly from deep sleep may result in might word is also there disorienting so if you write disorienting word then it will be your wrong answer so here it will come this orientation so may result in disorientation will come disorienting if you write so after may ing will not come so we have done this by